और इसके लिए आपको 150 का चार्ज पे करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये पिलो है, ये पूरा का पूरा स्पंज है, गद्दा है, और इस तरफ आपको एक टेबल मिल जाती है। तो चलते हैं पहले फोर्थ फ्लोर पे। फैसिलिटी सर यहाँ पे आरओ का पानी वगैरह मिलेगा। आरओ का पानी फ्री है जी, जी, वाईफाई फ्री है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वाईफाई मिल जाता है आपको जी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इतने चीपेस्ट प्राइस में यहाँ पे दिल्ली जैसी जगहों में आपको होटल मिलना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी मैं दिल्ली में हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ चीपेस्ट होटल ऑफ दिल्ली, यहाँ का सबसे सस्ता होटल जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पे जो प्राइसेस स्टार्ट होते हैं वो काफ़ी लोएस्ट से स्टार्ट होती हैं, इतनी ज़्यादा कम से स्टार्ट होते हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का चीपेस्ट होटल। अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, करीब 1 किलोमीटर पड़ता है। और ये वाली जो गली आपको दिख रही है वो पूरी तरह से चांदनी चौक है। और ये, और इस तरफ आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक है, और वहीं से आपको मुड़ना है इस गली में। ये जो रास्ता है उसको कहा जाता है बल्ली मरान। तो इस तरफ आप चलेंगे तो आपको वो होटल दिखने वाला है। तो वैसे आप देखेंगे तो दिल्ली में जो होटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन ऐसे में जो चीपेस्ट होटल अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए आए हैं तो आपके लिए सबसे चीपेस्ट होटल की ज़रूरत होती है। आपको मैं जिस भी टाउन में जाता हूँ तो इस तरह का होटल ज़रूर खोजता हूँ। ये आप देख सकते हैं इधर में शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो लाल किला भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो अगर आप घूमने भी आते हैं तो भी आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। आप इस तरफ देख सकते हैं, ये मैं बिल्डिंग वगैरह आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, लोकेशन आप भूले नहीं। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो चांदनी चौक का इलाका है, और जैसा कि आप जानते हैं कि चांदनी चौक यहाँ का चीपेस्ट मार्केट है, काफ़ी सस्ते में बहुत सारे सामान आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये आप लोकेशन वगैरह देखते रहिए, आपको इस तरफ जाना है। अगर यहाँ पर की लोकेशन आपको हम दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं बादशाह हलवाई है, ये होटल वगैरह है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्टिकल्स भी है। तो चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको जब आप उस तरफ से आ रहे हैं तो आपको राइट हैंड पे मुड़ना है, ये है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। जो मेन रोड है वहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही ईजिली आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये हो देख सकते हैं आप, होटल का नाम है होटल वेलकम डिलक्स, जो कि 4 फ्लोर में बनाया गया है, काफ़ी बड़ा होटल है। आपको अंदर लेकर चलता हूँ होटल वेलकम डिलक्स। और ये बोर्ड देख सकते हैं, मोबाइल का नंबर देख सकते हैं आप। और ये अंदर जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे होटल्स में। ये है रिसेप्शन एरिया, ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर खाली नहीं है जी जी। तो इस तरफ है मेन ऑफिस, ये मैनेजर साहब है। और सर कुछ बताइए अपने होटल के बारे में, क्या नाम है इसका? होटल वेलकम डिलक्स है ये। अच्छा अच्छा जी। और लोकेशन इसका? लोकेशन ये चांदनी चौक है, लाल किला वगैरह सब नज़दीक है, फतेहपुरी मस्जिद नज़दीक है। अच्छा, ये टूरिस्ट एरिया होता है। अच्छा, टूरिस्ट चांदनी चौक टूरिस्ट एरिया हो गया ये। ओके। और यहाँ पहुँचने के लिए जो मेन जगह पे जहाँ से मुड़ना होगा, बल्ली मारान जूता मार्केट बोला जाएगा, जूते की बहुत बड़ी मार्केट है ये। अच्छा अच्छा। तो बल्ली मारान जूता के नाम से ये मशहूर मार्केट। अच्छा, बल्ली मारान जूता मार्केट। तो प्राइस गली का नाम जो है सर वो पंजाबी फाटक है, जब इस गली में इन करेंगे तो आप पंजाबी फाटक के नाम से ही इन करेंगे। फैसिलिटी सर यहाँ पे आरओ का पानी वगैरह मिलेगा। आरओ का पानी फ्री है जी जी, वाईफाई फ्री है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे वाईफाई मिल जाता है आपको, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और वो हर चार्जेस में अवेलेबल है जी, वो बेसिक से लेकर वो हाई तक अवेलेबल है। और यहाँ पे जो रूम है एसी नॉन एसी हर तरह के रूम मिल जाते जी जी, हर तरह। बेसिकली ये फैमिली रूम में कोई दिक्कत ऐसा कुछ? फैमिली रूम के लिए फैमिली रूम ही ज़्यादातर है। अच्छा, ज़्यादातर होटल में फैमिली हो, बैचलर हो, किसी भी तरह कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं। आप देख सकते हैं वाईफाई फ्री है, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर एसी के लिए भी टाइमिंग है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर आप बेड का चार्जेस वगैरह देख सकते हैं। और ये अगर बात करें कम्प्लीटली सिक्योरिटी की, तो आपको सीसीटीवी कैमरास आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और थोड़ा सा बजट प्राइस पे लेते हैं तो वहाँ पे आपका सेफ्टी से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन एरिया है, और साथ ही साथ में आपको सीसीटीवी का जो सिक्योरिटी है वो मिल जाता है।
और इस तरफ आप देख सकते हैं ये लिफ्ट फैसिलिटी है जो हमेशा ऑन होती है। ये है लिफ्ट और ये मैं लिफ्ट में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं हर जगह पे नीट एंड क्लीन है। कभी कौन से फ्लोर पे जाएंगे पहले हम लोग? चौथे पे जाएंगे। तो चलते हैं पहले फोर्थ फ्लोर पे। तो ये आप देख सकते हैं जो सबसे बेस्ट है यहाँ पे चिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। ठंडी के मौसम में अगर आप धूप वगैरह लेना चाहते हैं या शाम में आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं इस पर बैठ के भी आप आनंद ले सकते हैं। फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं इधर में, फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं या पोर्ट वगैरह देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं और इतने चीपेस्ट प्राइस में यहाँ पे दिल्ली जैसी जगहों में आपको होटल मिलना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं वो कोई इनका थर्ड फ्लोर है और हर फ्लोर में आपको टॉयलेट वॉशरूम मिल जाएगा, वो बाहर से भी कॉमन भी होता है और रूम में भी आपको मिल जाएगा। वैसे इस टाइम में जो है ना आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है सब कुछ। इस तरह का जो है ना वाईफाई आपको देखने को मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई आपको मिल जाता है यहाँ पे, इसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ये इनका सेकंड फ्लोर, इस तरह का सिटिंग एरिया आपको हर तरफ मिल जाता है ताकि आप रिलैक्स कर सकें, बाहर में आप बैठ सकें। ये डॉर्मेट्री है, इस तरह का आपको बेड मिल जाएगा काफ़ी नीट एंड क्लीन एरिया में। इसके लिए आपको 150 का चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप बैचलर हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको किसी भी तरह की सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हर तरफ सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, वाईफाई फ्री है, आरओ का वाटर फ्री है, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में नहीं मिलती हैं। वैसे अगर आप बिस्लेरी की बोटल्स भी आप लेने जाओगे ना तो 20 रुपीज़ करके आप एडिशनल चार्जेस भी देंगे। वैसे आप जब भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगा, एड्रेस दे दूँगा, वहाँ पर फ़ोन करके आप बात भी कर सकते हैं। ताकि बजट होटल होने की वजह से ये ज़्यादातर बिजी होता है, हमेशा हाउसफुल चल रहा होता है, तो आप फ़ोन से बात भी कर सकते हैं। और इस तरफ आपको मिल जाता है केबिन, अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए तो ये केबिन आपको मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, आपको सामने मिरर भी मिलेगा। आप देख सकते हैं ये पिलो है, ये पूरा का पूरा स्पंज है, गद्दा है, और इस तरफ आपको एक टेबल मिल जाती है और इस तरफ आपको ओढ़ने के लिए कंबल, तो अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब गर्मी आ रही है तो आपको यहाँ फ़ैन मिल जाता है जो हाई स्पीड फ़ैन है, इस तरफ में आपको कर्टन मिलेगा। तो इसका जो 300 रुपीज़ प्राइस है एंड इसका जो टाइमिंग क्या होता है, चेकआउट का जो टाइमिंग है 24 आवर्स की टाइमिंग है। ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको इस तरफ 9 बजे खाली करना है या 12 बजे खाली करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि आपको 24 आवर्स के लिए मिलता है टाइम। बहुत सारे ऐसे होटल्स होते हैं जिनके अलग अलग चेकआउट टाइम होता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, आपको 4 बजे जाना है आपको 9 बजे ही खाली करना पड़ेगा, तो उस तरह की दिक्कत आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बेड का चार्ज, ये एक्स्ट्रा बेड के लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। मिनी रूम का चार्ज आप देख सकते हैं, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम। दोस्तों अगर मैं पर्सनली बात करूं तो ये मुझे काफी बजट फ्रेंडली होटल लगा, काफी नीट एंड क्लीन एरिया है इसका और बजट फ्रेंडली है। इसका मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं। इसका जो मैप लोकेशन है वो भी मैं डाल दूंगा। इसका जो नाम है वो होटल वेलकम डिलक्स है, तो आप इजीली यहां पहुंच सकते हैं। आप न्यू दिल्ली से भी आ सकते हैं, आप ओल्ड दिल्ली से भी आ सकते हैं, चांदनी चौक या लाल किला करीब में ही है, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। इस होटल के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको ये होटल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार है तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप Instagram और Facebook को भी फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय।